उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगा है। बीते वर्ष फायर सीजन के दौरान यूपीसीएल ने आदेश के बाद उत्तराखंड बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का वादा किया था, लेकिन इस बार फिर यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में बिजली बिलों पर 6.5% सरचार्ज लगाया है। ये सरचार्ज 1 सितंबर से 31 मार्च 2023 के बीच उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय लोगों से बीजेपी ने फ्री बिजली देने का वादा किया था, जहां फ्री बिजली तो दे नहीं पाए, लेकिन अब बिजली दरों को और महंगा किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लखपत बोटोला ने कहा है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आप विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से इन्होंने कैबिनेट मीटिंग करके कहा था कि हम उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे, कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाया, कहे थे हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन भाजपा कहती क्या है करती क्या। आप जो भाजपा की जो सरकार दही पे जीएसटी लगा सकती, जो सरकार आटे पे जीएसटी लगा, चावल पे जीएसटी लगा सकती, उस समाज से क्या उम्मीद कर सकते, लोगों के पेटों पे जीएसटी लगा दे, तो इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड जैसे राज्य पे जिसको ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, इस तरह की भार थोपना अपने आप में इस सरकार की करनी और कथनी में अंतर स्पष्ट दिखाता है।